हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि चश्मा उतारने के लिए लेसिक लेज़र टेक्नोलॉजी जो परफॉर्म की जाती है आंखों पे, उसको करने से पहले हमें कौन कौन से आंखों के ऐसे टेस्ट करने होते हैं जिनकी वजह से हम लेसिक लेज़र को 100% सक्सेसफुल बना सकते हैं पेशेंट के लिए। दोस्तों, इन टेस्ट में सबसे पहले और सबसे ज़रूरी जो टेस्ट है उसको बोलते हैं कॉर्नियल टोपोग्राफी एंड पैकीमेट्री। ये टेस्ट होता है आपकी जो काली पुतली है उसकी मोटाई देखने के लिए, उसकी शेप देखने के लिए और उसकी स्ट्रेंथ देखने के लिए। इन सभी पैरामीटर्स का बिल्कुल सही आना बहुत ज़रूरी है पेशेंट के लिए लेसिक लेज़र प्रोसीजर करवाने से पहले। तो कॉर्नियल टोपोग्राफी टेस्ट ही एक ऐसा टेस्ट है जो डिटर्मिन करता है कि हम पेशेंट की आँख पर लेसिक लेज़र प्रोसीजर कर सकते हैं या नहीं। तो कॉर्नियल टोपोग्राफी पे अगर सब कुछ ठीक आता है तो अगला टेस्ट जो हम करते हैं वो होता है ड्राई आई टेस्ट। दोस्तों, हर लेज़र प्रोसीजर जो आँख पे होता है वो आँखों को और ड्राई करता है और खुश करता है। तो हमें पहले ये देखना होता है कि पेशेंट अगर पहले से ड्राई आई का मरीज़ है तो हम उसको लेसिक लेज़र ना करें कि उसकी आँखों की ड्राइनेस बढ़ ना जाए। तो ड्राई आई टेस्ट दूसरी तरह का टेस्ट होता है जो हमें लेज़र से पहले करना है। अगला टेस्ट जो लेज़र प्रोसीजर से पहले हम लोग करते हैं वो होता है, हमें अपने प्यूपिल्स का साइज़ देखना होता है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लेसिक लेज़र के प्रोसीजर से करने के बाद बहुत सारे पेशेंट्स जो होते हैं वो नाइट ड्राइविंग में ग्लेयर की प्रॉब्लम बताते हैं आके। तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए उसके लिए हमें प्यूपिल साइज लेज़र प्रोसीजर से पहले ही देखना होता है कि अंधेरे में पेशेंट का प्यूपिल कितना ज़्यादा फैलेगा। जिस पेशेंट का प्यूपिल अंधेरे में ज़्यादा फैलेगा उसको लेज़र प्रोसीजर के बाद रात को ड्राइविंग करने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और चौथा जो टेस्ट है लेज़र प्रोसीजर करने से पहले हम लोग करते हैं वो होता है आँखों के पर्दे की जाँच। ये जांच दोस्तों इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लेज़र प्रोसीजर नॉर्मली उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनको हाई माइनस के नंबर होते हैं या जो मायोपिक पेशेंट्स होते हैं। मायोपिक पेशेंट्स में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है रेटिना में होल्स या टीयर्स होने की। तो इस चीज़ को हम लोग लेज़र करने से पहले डिटेक्ट कर लेते हैं और अगर रेटिना में कोई होल या टीयर हमें दिख जाए तो उस होल को हम लोग ग्रीन लेज़र से पहले ही सील कर देते हैं किसी भी तरह का लेसिक लेज़र करने से पहले। दोस्तों, ये जो चार टेस्ट बताए गए हैं, मैं आपको ये बता दूं कि ये टेस्ट किसी भी तरह के लेज़र प्रोसीजर से पहले होने चाहिए, चाहे वो बेसिक लेज़र प्रोसीजर है चाहे एडवांस लेज़र प्रोसीजर्स है। और इन टेस्ट के करने के बाद ही हम लोग फैसला लेते हैं कि हम पेशेंट की आँख में लेज़र करेंगे या नहीं करेंगे। थैंक यू।